Hi guys and welcome to Government Crackers. This is Kavita and in this session we are going to talk about the changing trend of CDS examination. So in this we will discuss how you have to qualify for the examination ko, because from past 1 to 2 years we are seeing that there is change in examination for CDS. The changes with related to the level of question paper and the cutoff criteria. और ये दोनों के reason जो हैं, there are 2 to 3 situations which are responsible for all this. First of all, जो पहला reason आ रहा है, that is the competition, overall competition. But ये वाला factor तो हमेशा से ही effective रहा है. इसके साथ जो second and third factors add on हो गए हैं, वो हो गया है आपका COVID-19 pandemic का factor and इसके अलावा there are been lot of reconstruction that are going on into defence services. ठीक है, तो ये एक और reason हो गया है जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा effect आया है आपका vacancies के ऊपर and this is the reason why आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है इन द एवरेज कट ऑफ. रीजन मीन जो कट ऑफ है दैट इज एटलीस्ट प्लस 5 to +7 मार्क्स हायर देन द यूजुअल. सो दैट इज व्हाई आप जितने भी एग्जामिनेशंस देख रहे हैं डिफेंस के उनकी जो कट ऑफ है दैट इज गोइंग +5 to +7 higher than the usual cutoff. So, इसको किस तरह से sort out करेंगे? Because back to back examination देना and failures अगर आपके हो रहे हैं, so this is the time when you need to actually stop, think for a while कि where are you going wrong, analyze करना चाहिए खुद को दोबारा से और उसके बाद start करना चाहिए. तो ये पूरा session आजकल इसी पे based है. Before we proceed, you need to subscribe to the YouTube channel of Government Trackers and also you can be the part of Telegram group जहाँ पे आपको सारी PDF materials updates मिलते रहेंगे. And for more information and help, you can visit www.governmenttrackers.com. यहाँ पे आपको contact number भी available मिल जाएगा, so you can ask your queries and related study materials are also available on this site. Next is, जैसे हम बात कर रहे थे फेलियर्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज बैक टू बैक एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी या चेंज इन स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन ट्रेंड ऑफ द पेपर दिस विल लीड टू फेलियर ओनली. सो हियर यू नीड टू स्टॉप अप एंड देन अगेन एक स्ट्रैटेजी बनाइए एंड देन प्रोसीड टूवर्ड्स द सक्सेस. तो करना क्या है बेसिकली किस तरह से आपको स्टार्ट करना है. सबसे पहले अभी आप यहाँ पे सपोज आप अपने सारे बैड इफेक्ट्स जो हैं सारे बैड एक्सपीरियंसेस को मैं कहूँगी आप भूल जाइए. You need to think कि आप फेल क्यों हो रहे हैं, गलतियां बेसिकली कहां हो रही हैं. आपको पहले अपने फेलियर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आपने हर बार जो स्ट्रैटेजी बनाई है वाज इट अ सिमिलर स्ट्रैटेजी या उसमें कहां चेंजेस किए हैं, कौन से सेक्शन में चेंजेस किए हैं एंड अगर आपने चेंजेस किए हैं सो वेयर दैट चेंजेस एप्लीकेबल और नॉट. वंस आपने वो चेंजेस किए थे फिर आपने जो प्लानिंग की थी क्या आपकी प्लानिंग में कोई कमी है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेके हो पेपर मैनेजमेंट को लेके हो, तो क्या आपकी में प्लानिंग में कोई कमी देखी है कि नहीं. देन आपने जो ट्राई किए थे जो एफर्ट्स डाले थे वो पूरे हुए कि नहीं. अब जो पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ अब आप दोबारा इसको जब फ्रेज आउट करेंगे रीफ्रेज करेंगे बेसिकली इन सिचुएशंस को, तो नाउ यू हैव टू चेक आउट कि जब आप कर रहे हैं तो क्या ये पहले से बेटर आपको लग रहा है कि नहीं, क्या पहले से इजियर फील हो रहा है या नहीं. देन आप उसको दोबारा करेंगे एंड देन देखेंगे क्या आपके मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं एंड देन यू हैव टू कीप डूइंग. अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सो यू नीड सम अगेन गाइडेंस इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन डेफिनेटली कम अप टू मी एंड आई विल गाइड यू डेफिनेटली एंड देन वी विल श्योरली अचीव सक्सेस. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा जो हमें चीजें ध्यान रखनी है, नाउ वी हैव टू टारगेट हाई एक्चुअली बिकॉज अब जो सेफेस्ट स्कोर है दैट हैज इंक्रीज टू +5 to +7 देन द यूजुअल वन. तो अगर हमें एक सेफ स्कोर के साथ प्ले करना है और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है सो वी नीड टू बी हायर एटलीस्ट 5 to 10. ये तो एवरेज हो गया, +10 हमें बेसिक कट ऑफ से हायर फॉर डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज वेदर OTA IMA INA AFA आपको +10 एटलीस्ट यूजुअली देन द नॉर्मल कट ऑफ जो जाते हैं उनसे लेके चलना है. तो अभी जो हमने देखा लेवल ऑफ पेपर का ट्रेंड, पहले जो था दैट वाज यूजुअली इजी टू मॉडरेट, इसी के बीच में आपका पेपर कहीं घूमता था. नाउ इट इज समवेयर मॉडरेट का जो सेक्शन है ये सेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और इजी का सेक्शन जो है ये डिक्रीज हो गया है. ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आया है. यानी अगर आप अब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे जो यूजुअल टाइमिंग होता है एग्जामिनेशन ट्रेंड में लाइक 4 to 6 months जो चाहिए होते हैं, if you'll be not giving these 4 to 6 months regular basis पे, then it is impossible for you to clear the examination. तो उस केस में आपको अपना एक schedule timing, whether you are working professional or not, but you have to stick down to your schedule to clear the examination. Otherwise, it is going to be very difficult now.
नेक्स्ट इज साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन कट ऑफ. जैसे आप 2019 से देख रहे हैं और 2021 तक, सो देर इज साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन कट ऑफ. रीजन हम उसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो कट ऑफ के इंक्रीज हो रहे हैं दैट इज +5 to +7 के बीच में कहीं ना कहीं वेरिएशन हमें दिखने को मिल रहा है. एंड 2021 के रिजल्ट में देर वॉज अ ग्रेट स्पाइक देन द नॉर्मल यूजल कट ऑफ दैट यूज टू कम. तो सेफ स्कोर के लिए अब हमें हमारे टारगेट्स को हायर सेव करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 100 स्टूडेंट्स given examination aiming for 100 marks in OTA का अगर मैं example लेती हूँ, so we have to take the target of 110 and come in this 1% of student category section जो examination clear करते हैं. same goes for आपका INA हो गया, IMA हो गया, AFA हो गया, इनके लिए भी आपको अपने टारगेट्स को +10 की हाइट से आगे लेके चलना है. एंड दैट इज ओनली बी गोइंग टू बी द सेफेस्ट स्कोर जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं. सो जब तक आप अपना टारगेट हाई सेट नहीं करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन. ऑल्सो जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके जाते हैं तो यू शुड हैव दैट बेनिफिट ऑफ बैकअप. जब आप अपना SSB देते हैं तो अगर आप इतना डिफिकल्ट फेज क्लियर करके जाते हैं और आपको आपके बैकअप से अगर बेनिफिट नहीं मिलता तो देर इज नो यूज ऑफ गोइंग थ्रू रिटन एग्जामिनेशन. इट इज बेस्ट टू गो डायरेक्टली, क्योंकि उससे भी आप SSB डायरेक्ट फेस करते हैं. मगर अगर आप रिटन एग्जामिनेशन से जाते हैं तो कोशिश ही करें कि एक अच्छा बैकअप स्कोर जो है वो आप लेके जाएं, जो आपको फर्दर SSB में हेल्प करे अगर आपको SSB में किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, देर आर वेरियस कैंडिडेट्स जिन्होंने इस बार OTA में भी इवन 120-129 स्कोर किया है, बट द मिस्टेक दे हैव डन इज इन द सेक्शनल कट ऑफ. तो वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हियर सेक्शन इज अबाउट द GK सेक्शन, जो कि एक मिस्टीरियस सेक्शन हमेशा से रहा है, और हमें इसको सॉर्ट आउट करना है दैट व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है GK की वजह से अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट, सेक्शन का नाम है GK सेक्शन, बट वी आर ऑलमोस्ट कंफ्यूज विद द करंट अफेयर्स सेक्शन. सो नोबडी हैज नेम्ड इट करंट अफेयर्स सेक्शन. सेक्शन GK का ही है, इसमें बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम फोकस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, देर इज हिस्ट्री ऑल्सो, देर इज पॉलिटी ऑल्सो, इकोनॉमिक्स भी होती है आपकी, साइंस भी होती है, एवरीडे साइंस भी होती है, और एनवायरमेंट भी होता है, एंड देन यू हैव योर करंट अफेयर्स. सो अगर मैं पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन की बात करूँ, सो देर आर नॉट मोर देन 10 to 12 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जो आते हैं. इसके अलावा इफ यू सी ऑल द 85 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, सो दीज आर फ्रॉम द स्टैटिक सेक्शन ऑल्सो. तो अगर आप ये 10-12 क्वेश्चंस नहीं भी करते हैं देन ऑल्सो यू कैन ईजिली क्लियर द कट ऑफ. यहाँ पे आराम से आपको पेपर क्लियर करना चाहिए, बट हियर वेयर योर लैकिंग इज आपका फोकस यहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है, विच इज अ ट्रिक ऑफ करंट अफेयर्स जिसपे UPSC हमेशा रूल आउट करती रहती है. एंड हियर वेयर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. तो हमें इस पैरामीटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इसमें भी किस तरह से कौन से टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है, किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वी आर रेगुलरली गाइडिंग एंड वी आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम 1st of April, एंड वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग द प्लेटफॉर्म्स ताकि आप लोग के बेनिफिट के लिए इट्स easier to use and aap acche se apni preparation us pe kar paye. So stay tuned to government trackers and we'll be launching various updates on 1st of April. Apart from this, strategy to exam pattern kya, that is very clear that 20% aapko har section mein complete karna hai. To kahin na kahin ya to ye strategy fail out karti hai, ya jab hum examination mein hote hain us pressure ki wajah se hum is trick ko भूल जाते हैं, एंड देन हम या तो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ आ जाता है और वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द सेक्शंस, क्योंकि हमने ठीक से प्रिपरेशन नहीं की होती है. अब नोइंग दिस फैक्ट ऑल्सो हमें कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डू दिस पर्टिकुलर सेक्शंस टू अटेन द रिक्वायर्ड मार्क्स. तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन जैसे मैंने बोला, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन इट्स वेरी गुड, जिन्होंने भी नहीं करा है ठीक है. नाउ यू नीड टू थिंक ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट करना है हाई, सेकेंडली वेट बैक टू बैक एग्जामिनेशन देना इज नॉट द राइट सोल्यूशन. अपने आप को एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम 1st or 2nd आप ऑफ अप्रैल से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर ये कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन चलनी चाहिए आपकी नवंबर तक, जब तक आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन नहीं होता है ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी तरह के अपडेट्स एंड अच्छे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट ट्रैकर्स को. अगर आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डीकोड SSB को सब्सक्राइब कर सकते हैं.
किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल लेने के लिए यूजुअली हमें प्रॉब्लम आती है स्टडी मटेरियल में कि हम कौन सी बुक रेफर करेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे. तो ये सारा कंपाइलेशन गवर्नमेंट ट्रैकर्स आपको देता है जिसमें आपको ऑलरेडी कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल्स मिलेगा. यही स्टडी मटेरियल अगर आप रेगुलर 6 मंथ्स तक पढ़ेंगे, आई एश्योर यू कि आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसको देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. देन यू विल बी गेटिंग पीडीएफ्स जिनको पढ़ के आप अपना पूरा का पूरा जो बेसिक्स है उनको क्लियर आउट कर सकते हैं. देन यू विल बी हैविंग मॉक टेस्ट ऑल्सो, पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो एंड द कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं. एंड व्हेन यू रिपीट दिस ऑल दिस थिंग्स कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ्स, आई अश्योर यू यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विद वेरी हाई स्कोर. एंड दिस इज वॉट माई स्ट्रैटेजी वॉज वेन आई गॉट रिकमेंडेड एंड क्लियर द एग्जामिनेशन विद द हाइएस्ट मार्क्स. All right. So even I suggest you to go with that, and we'll be having such kind of sessions and interactions. अगर आपको interaction करना है, किसी भी तरह की कोई query है, कोई doubt है, government practice पे जाके आप contact कर सकते हैं, mail कर सकते हैं, और you can comment in the video section, and I will clear all your doubts. तब तक के लिए जय हिंद, and I'll see you in the next session.